तीर्थंकर भी हमेशा ही होगे। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा होगे, वैसे चौथे पांचवे छठे सातवें ने वो मोक्ष मार्गी वाले भी जीव हमेशा होगे, और मोक्ष मार्ग बताने वाले अरिहंत ने तीर्थंकर की अपेक्षा तीर्थंकर भी हमेशा इस विश्व में विद्यमान होगे। वे के वे नहीं, वो तो जो होगे वो तो चले जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। दूसरे कोई मिथ्या दृष्टि थे वो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर वो भी कोई तीर्थंकर होकर उपदेश देंगे। यानी हमें जो डर भय है कि ये जिन धर्म का क्या होगा, लोप हो जाएगा, ये बात तीन काल में नहीं हो सकती। किसी विशिष्ट क्षेत्र में उसके जानने वाले कुछ कम हो गए उसका अर्थ वो उसका लोप हो जाएगा, ये बात नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं, ये जिन धर्म को हम बचाएंगे उसका क्या होगा, हमें ये नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा। ये जिन धर्म का स्वरूप समझकर, जिन धर्म का यानी वस्तु स्वरूप का समझ, ये स्वरूप समझकर, वस्तु स्वरूप समझकर हम जब तत्व का निर्णय करते हैं, अपने स्वयं के स्वरूप का निर्णय करते हैं, अपने को जानने लगते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो हमारा ये जो भव भ्रमण है चल रहा है अनादि से, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते आए हैं, ये अभी तक हमने इस पर कभी विचार नहीं किया था। इस जन्म में हम पूर्व भव की सारी बातें भूल गए हैं, इतना सारा हमने चक्कर काटा है ये भी बात भूल गए हैं, इसलिए हमें तो ऐसा ही लगता है बस इतना मात्र हमारा अस्तित्व है, और इतना मात्र अस्तित्व है ऐसा समझने के कारण बस इस भव के लिए जितना कार्यकारी है उस पर ही हम विचार करते हैं।